मणिपूर पर्यटन विपक्ष कूटमी की चंद्र एंपील बृंदम राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तो भेटी राज्यसभा विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खर्गे सारथ्य में 21 मंदिर एंपील प्रतिनिधि बृंदम द्रौपदी मुर्मू कल मणिपूर परस्थित राष्ट्रपति की विवरी प्रतिपक्ष एंपील क्षेत्रस्थाई परस्थित निवेक अंदेस मणिपूर परस्थित जोक्यम चुस्काल राष्ट्रपति ने कोई विपक्ष एंपील बृंदम केन्द्रा की तगन सूचन चेयर विज्ञप्ति चार ఇకటు ప్రధాని మణిపూర్ సందర్శించి శాంతి నెలకొల్పేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలన్నదే విపక్షాల ప్రధాన డిమాండ్ అని కర్గే తెలిపారు. మణిపూర్లో పరిస్థితి మరింత క్షీణించక ముందే శాంతి స్థాపన కోసం కృషి చేయాలని కోరినట్లు లోక్‌సభలో విపక్ష నేత అధీర్ రంజన్ చౌదరి తెలిపారు. రాష్ట్రపతి జీ సే హమ్ మిలే ఆర్ మణిపూర్ మే ఘట్ రహీ హై ఉస్కే బారే మే జో వహా ఏక్ इंडिया गठबंधन के लोग 21 लोग डेलीगेशन में गए थे. हर पार्टी के नेता लोग उसमें शामिल हुए. वो खुद ही आंखों से जो वहां की स्थिति को देखे हैं वो पूरा हमारे राष्ट्रपति जी को बताए और हमने मेमोरेंडम में उनको पेश किया और किस ढंग से अब तक वहां पर घटनाएं घट रही है, खासकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार, स्त्रियों का जो नंगा परेड किया गया, 5000 घर जलाए गए और हमारे 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 500 से ज्यादा घायल हो चुके हैं तो और 60,000 लोग स्थापित को रिहैबिलिटेशन दूसरी जगह किया गया है जिनको खाना नहीं पानी नहीं समय पर उनके बच्चों को जो औषध मिलना चाहिए वो भी नहीं. लोकसभा में एडजमेंट मोशन और राज्यसभा में 267 ये हम बार बार लाते गए और राज्यसभा में तो कम से कम 65 लोग रोज 267 में नोटिस देते थे लेकिन उसको सरकार रिजेक्ट करती थी, बोलने नहीं देती थी. ये एक वहां पर स्थिति बनी और दूसरा लोकसभा में जब एडजमेंट मोशन देख देख कर थक गए थे तो आखिरी में अपनी बात रखने के लिए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है और वो आज लेना था लेकिन ये आखिरी में रखकर ये भी उन्होंने तय कर लिया है कि 8-9 दिन इसका बहस चले फिर एक दिन रिप्लाई दिए और हाउस अर्जेंट.